बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उसामा और मेरा नाम है हबीबा और आप देख रहे हैं उसामा एंड हबीबा रिएक्शन। तो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों की बहनों की बहनों, वेलकम बैक हो गया आपका अनदर वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं कौन से ऐसे बहुत ही फेमस मुसलमान गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे और फेम के लिए इस्लाम को छोड़ दिया। और कितने बदकिस्मत लोग होंगे ना, है ना? बिल्कुल, मुझे कैसे लगता है। तो ये वीडियो देख लेते हैं क्या है, इस वीडियो में कौन से ऐसे फेमस लोग गुजरे हैं जिन्होंने मतलब के सिर्फ पैसा, क्या चीज़ है यार पैसा, कुछ नहीं, हाथ की मैल है। बिल्कुल ठीक है, जो फेम आपको चाहिए, जो वो हो सकता है आपको इस्लाम के दायरे के अंदर भी अल्लाह ताला नवाज दे, और नवाज रहा है अल्लाह ताला, नकाब वालों को भी नवाज रहे। बिल्कुल, ये इसकी जो है ना, ये खोखलापन है जो इंसान को समझ नहीं आता। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। ये हमने वीडियो लिए टुडे चैप्टर चैनल से, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। उनको भी सपोर्ट कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पैसों और फेम की खातिर इस्लाम को छोड़कर कुफर को अपना लिया। फातिमा सना। दोस्तों, अगर आपने आमिर खान की मूवी दंगल देखी है तो आप इस एक्ट्रेस को तो ज़रूर जानते होंगे। इसका नाम फातिमा है और इसकी उम्र 30 साल है। ये लड़की एक कश्मीरी घराने में पैदा हुई थी और इसकी वालदा मुसलमान थी। पहले तो फातिमा सना बिल्कुल आम मुसलमान लड़की की तरह रहती थी, लेकिन जैसे ही इसने बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इसकी बेखुद ड्रेसिस की वजह से मुसलमानों ने इसे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। इसे आमिर खान की मूवी दंगल के लिए सिलेक्ट किया गया था और जब इस लड़की को दंगल मूवी के बाद फेम मिला तो ये इस फेम के नशे में ऐसे गुम हो गई कि इसने ऐलान कर दिया कि ये अब एक मुसलमान नहीं है। इस बदबخت औरत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सब लोग इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बेहुदा ड्रेस ना पहनो और बाल ना कटवाओ। इसने कहा कि अब ये एक एथिस्ट है और इसका कोई मज़हब नहीं है। इसने कहा कि दुनिया में कोई खुदा नहीं है और जो कुछ भी होता है वो सब कारमा होता है। बहरहाल जो भी हो, ऐसे चंद टकों की खातिर अपने दीन को भेज देना, इससे बदतरीन शख्स भला कौन हो सकता है। लड़कियों को तो ये पहले से ही डील करना करते आ रहे हैं हम कि ये क्यों पहना है, वो क्यों किया, लड़कों के साथ क्यों घूमा, ऐसे क्यों बैठे, बाल क्यों काटा। आई एम एन एथिस्ट। सैयद वसीम रिजवी। दोस्तों, ये शख्स जो आप देख रहे हैं इसका नाम सैयद वसीम रिजवी है। इसका ताल्लुक इंडिया से है। ये इंडिया के इलाके लखनऊ में पैदा हुआ था। दोस्तों, वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश के शिया सेंटर बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है। इसका भारत के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना था, जिसकी वजह से इसके अंदर हिंदू मज़हब काफ़ी डेवलप हो गया। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि काफिर कभी भी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। फिर जब वक्त गुजरता गया तो ये इस्लाम से मज़ीद दूर हो गया और इस मनहूस शख्स ने हिंदू पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए इस्लाम के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिए। इस बदबخت ने कोर्ट से अपील की कि इसे कुरान मजीद की 26 आयात को कुरान मजीद से हटाने की इजाज़त दी जाए। जब इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इसकी गुस्ताखी का पता चला तो इन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया, यहां तक कि इंडिया के मुसलमानों ने इसके सर की कीमत तक मुकर्रर कर दी थी। जब इस गुनहगार ने देखा कि मुसीबत इसके सर पर मंडला रही है तो इसने इंडिया के इलाके गाज़ियाबाद के मंदिर में एक कमेटी जमा की और उस वक्त ये बाकायदा तौर पर मुसलमान से हिंदू मज़हब में कन्वर्ट हो गया। इसने ऐसा इसलिए किया ताकि मुसलमान इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके और हिंदू इसे बचा लें। इसने मंदिर में आग और बुतों की पूजा की और दुनिया को बताया कि यह हिंदू मज़हब तस्लीम कर चुका है और अब ये एक हिंदू है। इस बदतरीन इंसान ने हिंदू बनने के बाद अपना नाम जतिंदर सिंह दियाकी रख लिया। वेल, अगर देखा जाए तो किसी मुसलमान शख्स के हिंदू मज़हब में कन्वर्ट होने से बड़ी बदबख्ती और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, आप सब में से ज़्यादातर लोग जैन मलिक के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश सिंगर है। इसकी पैदाइश 12 जनवरी 1993 में हुई थी। दरअसल इसका वालिद यासिर मलिक एक पाकिस्तानी रिहायशी था और इसने एक ब्रिटिश लड़की को मुसलमान करके इससे शादी की थी। अगर जैन की तालीमात के बारे में बात की जाए तो इसके वालिद ने इसे इस्लामी तालीमात के मुताबिक परवान चढ़ाया था और इसे कुरान मजीद की तालीम भी दी गई थी। लेकिन जैन इस आलिशान मज़हब के लायक ही नहीं था। इसका उठना बैठना यहूदियों के साथ था और वो जो कुछ भी करते थे वो इसे ठीक लगता था। आहिस्ता आहिस्ता जैन सिंगिंग का पेशा इख्तियार कर बैठा और इसे फेम मिलना स्टार्ट हो गया। फिर इसका दिल और जहन दोनों ही इस्लाम से दूर हो चुके थे। फिर एक बार जैन ने ब्रिटिश फैशन मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि अब ये मुसलमान नहीं रहा बल्कि एक एथिस्ट बन चुका है जिसका कोई मज़हब नहीं होता। ये पैसे और शोहरत के नशे में इतना मगरूर हो चुका है कि इसे दीन इस्लाम की सारी तालीमात भूल गई हैं। पहले तो जैन दुनिया के खूबसूरत तरीन लड़कों में से एक था,
लेकिन अब इसने अपने जिस्म पर टैटूज बनवा लिए हैं करवा और अब ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता और ना ही अब ये मुसलमान लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक अमेरिकन लड़की के साथ बिना शादी के 6 साल से ज़िंदगी गुजार रहा है और इन दोनों की एक बेटी भी है। वेल, जैन के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो बदबख्त है जिसने अपने ही हाथों से जहन्नम को तस्लीम कर लिया। जावेद अख्तर, दोस्तों आपने अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जावेद अख्तर का नाम ज़रूर सुना होगा। ये इंडिया का एक बहुत ही मशहूर शायर है। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो इसमें भी जावेद अख्तर का एक बहुत बड़ा नाम है। इसकी उम्र 78 साल है और ये ना सिर्फ एक शायर है बल्कि ये एक मशहूर पॉलिटिशियन भी है। जावेद अख्तर का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है। इसके वालिद जान निसार अख्तर भी एक शायर थे और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके दादा फजल हक खैर का शुमार उस दौर के सबसे बड़े उलमाओं में किया जाता था। जावेद अख्तर का पूरा घराना बहुत ही मजहबी था, लेकिन जावेद अख्तर को शुरू से ही हिंदुओं की रिवायत और इनका कल्चर बहुत ही पसंद था और दीन इस्लाम से ये काफ़ी ज़्यादा दूर था। माहौल ऐसा बना साथ साथ इसका इस्लाम कमज़ोर होता गया और आखिरकार सोशल मीडिया पर इसने ऐलानिया तौर पर लोगों को बता दिया कि अब यह मुसलमान नहीं रहा। इस बदबख्त ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने पूरी तरह से इस बारे में पढ़ा है और ये नतीजा निकाला है कि नाउज़ुबिल्ला इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि इसका ये मानना भी है कि मरने के बाद इंसान का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इसने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को बताया कि ये अब एक एथिस्ट है और ये खुदा की एग्जिस्टेंस पर यकीन नहीं रखता और इसका कोई मजहब नहीं है, लेकिन इसकी आदतें और हरकतें देखकर साफ जाहिर होता है कि ये एक हिंदू है। इवन ये हर वक्त भारत और भारतीय लीडर्स के नारे भी लगाता है। बहरहाल दोस्तों, इससे ज़्यादा बदबख्त इंसान और भला क्या हो सकता है। दिले दिलशान, दोस्तों ये शख्स जो आप देख रहे हैं ये एक श्रीलंकन क्रिकेटर है। इसका नाम दिलशान है और ये श्रीलंकन क्रिकेट टीम का फॉर्मर कैप्टन भी रह चुका है। दिलशान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर्स में होता है। ये 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ था। इसका बाप मुसलमान था जबकि माँ एक हिंदू थी। दिलशान शुरू में मुसलमान था, इवन इसने कुरान पाक भी पढ़ा हुआ था और ये अपने वालिद के साथ नमाज भी पढ़ा करता था। इसके वालिद ने इसका नाम मोहम्मद दिलशान रखा था। दिलशान को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जब इसने क्रिकेट का प्रोफेशन ज्वाइन किया तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो गया और फिर इसके कोच ने इसे कहा कि अगर ये ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है तो इसे दीन इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। इसने इस बारे में सोचा और इस बदबख्त का इस्लाम इतना कमज़ोर था कि ये इस कोच की बातों में आ गया और चंद टकों की खातिर इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने का फैसला कर लिया। फिर इसने ऐलानिया तौर पर तस्लीम कर लिया कि अब ये मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू है। वेल, इसके पास पैसा तो बहुत आ गया मगर ये इतना बदकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने इससे मुसलमान होने का हक छीन लिया और ये अब हमेशा काफिर रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो तो आप तक पहुँच सकें। तो क्या बोले यार आप, बंदा जहाँ हम मुसलमान होने पर इतना जो है ना खुश होते हैं, वहाँ इस्लाम मतलब कि अच्छे खासे लोग, समझदार लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, उनको लोग ऐसे मिल जाते हैं कि बस वो उनको लगता है यही सब कुछ है हमारा। कुरान पाक में आयत है, अल्लाह पाक खुद कहते हैं, और तुम जो है ना कुफार को अपना दोस्त ना बनाओ और उनके साथ उठो बैठो नहीं। अब जब अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं, इसका मतलब जब आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपको उनका माहौल, आप उनके उसकी उसकी तरफ कन्विंस होंगे, आपको अच्छा लगेगा उनका उठना बैठना और आहिस्ता आहिस्ता आप उसी रंग में ही ढल जाएंगे। जिस कंपनी में, जिस माहौल में इंसान बैठता है, ऑब्वियस बात है उसका रंग जरूर पकड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, हदीस में आता है कि अल्लाह पाक ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया तो अल्लाह ताला उसको भी देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, यानी दुनिया भी देगा उसको आखिरत में, लेकिन दीन अल्लाह उसको देगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हर वो बंदा जो दीन की तरफ आ रहा है वो ये समझे अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। अब और दूसरी बात ये कि आपको, हाँ, मैंने एक और हदीस पढ़ी थी, इसमें था कि हमारी तकदीरें 50,000 साल पहले मुकद्दर लिख दिया गया है कि आया हम बदबख्त हैं या खुशबख्त। तो मुझे लगता है हमें दुआ करते रहना चाहिए। आप सबने फरमाया था कि जो है ना जिसका रुझान जिस तरफ होगा अल्लाह उसको उसी तरफ ही कर देगा, यानी मैं जिस चीज़ का शौक रखती हूँ अल्लाह मुझे उसी तरफ ही डाल देंगे उस राह पर। तो इन सब में ये जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था लेकिन ख़त्म हो गया, एथियस्ट बन गए, तो इन इन अल्लाह ताला को पता था ये इस तरफ जाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इनको वैसे ही कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि पैसा तो अल्लाह ताला मुसलमानों को भी दे दिया, देते हैं अल्लाह ताला आपको, एक वक्त आता है हर इंसान को फेम मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो माशाल्लाह ये थी हमारी वीडियो, होपफुली वीडियो आपको मोटिवेट करे शायद, ताकि कोई भी इंसान आपके सराउंडिंग्स में या
आप में से भी कोई इस तरह है तो आप जब आपके दिल में कोई थोड़ा सा भी खुदा ना खास्ता इस्लाम के खिलाफ कोई बात आने लगे तो किसी बड़े ही जो दीन के करीब हो, आलिम हो, जो जो दीन का बड़ा हो, उसके पास जाएं और उसको अपनी फीलिंग्स बताएं ताकि वो आपको इतना मोटिवेट कर सकें कि आपके अंदर से जो ये खटका है वो निकल जाए। सवाल ज़रूर कर लिया करें, जब तक हम अंदर से क्लियर नहीं करते शैतान वसवसों की जरूरत में हमें अपने दूसरी तरफ लेकर चले जाता है, किसी और मज़हब एथियस्ट जो भी आई डोंट नो। बिल्कुल, तो जो है ना आप कोशिश करें आपका आपके अंदर जो भी वसवसा है आप उसको निकालें बाहर जाके सवाल करें ताकि वो वसवसा उसी वक्त वहीं पर ख़त्म हो जाए, रुक जाए वो, वरना वो बढ़ते बढ़ते फिर कुफर की सूरत इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल माशाल्लाह, तो ये थी हमारी वीडियो, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना इस तरह की रिएक्शन वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।